तो तुमने टूमर फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में कई क्वेश्चन चल रहे होंगे कि क्या हस्तर अभी भी जिंदा है। अगर हस्तर जिंदा है तो क्या पार्ट टू में क्या स्टोरी देखने को मिलेगी। और फिल्म के एंड में देखते हैं कि विनायक मर जाता है तो क्या हमें पार्ट टू में विनायक दोबारा देखने को मिलेगा। तो हम इस वीडियो में टूमार टू के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने टूमार फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो जाकर देख लो, मूवी काफी अच्छी है। बेसिकली जो हॉरर थ्रिलर फिल्म देखना चाहते हैं। तो पहला सवाल, क्या हस्तर जिंदा है? तो हमने देखा था कि जब विनायक मुद्रा के लिए जब वो देवी गोद में जाता है तो हमें हमेशा एक ही हस्तर दिखता था। लेकिन हम फिल्म के एंड में देखते हैं कि जब विनायक और उसका बेटा जब मुद्रा के लिए देवी गोद में जाते हैं तो कई हस्तर देखने को मिलते हैं। और यहीं से पता चल जाता है कि हस्तर एक नहीं अनेक हैं। और तुमने फिल्म ध्यान से देखा होगा तो तुमने देखा होगा कि जब हस्तर धन ले लेता है, जब वो अनाज की तरफ बढ़ता है तो उसके कई देवी देवता वार कर देते हैं, जिसके कारण वह कण कण में बिखर जाता है। लेकिन पूर्ति की देवी उसकी आत्मा को बचा लेती है। तो सोचो, जब देवी ने नहीं मारा तो इंसानी क्या ही मार सकते हैं हस्तर को। और दूसरा सवाल कि अगर हस्तर जिंदा है तो टूमार पार्ट टू में क्या स्टोरी होगी? तो सोहम शाह ने खुद इंटरव्यू में कंफर्म किया है कि जैसे टूमार पार्ट वन में लालच एक थीम थी, उसी तरह पार्ट टू में भी एक थीम होगी जो की होगी इमोर्टेलिटी यानी अमर। तो जैसे हमने पार्ट वन में देखा कि कैसे दादी और विनायक का दोस्त का विनाश का कारण लालच ही रहा, वैसे पार्ट टू में विनाश का जो कारण रहेगा वो अमर रहेगा। और ऐसा मेरा मानना है कि जैसे लास्ट इन में पांडुरंग जैसा समझ जाता है कि लालच एक विनाश का कारण है और अब उसके अंदर लालच ना, अब उसके अंदर अमर होने की इच्छा जगेगी और अमर होने के लिए कई तौर तरीके आजमाएगा। और कैसे हस्तर से अमर होना है क्या पता वो पता भी लगा ले। और जैसे पार्ट वन में लास्ट में देखते हैं कि कैसे विनायक को ये बात पता नहीं होती कि कई आटे की गुड़िया ले जाने से हस्तर भी अनेक हो जाएंगे, उसी तरह अमर होने के बाद भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो उसको पता नहीं होगी और वही उसके लिए एक विनाश का कारण बनेगा। ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा माना जा रहा है कि पार्ट टू में पूर्ति की देवी का भी रूप दिखाया जा सकता है। जब अमर होने के लिए हस्तर का उपयोग करेंगे तो पूर्ति की देवी गुस्से में आकर लोगों का विनाश करने जरूर उतरेंगी, यानी यूं समझो कि फ्रेंडली करने जरूर आएंगी। और कैसे लोग उन्हें शांत करेंगे ये दिखाया जा सकता है। ये थोड़ी मेरी है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, तुम अपनी राय बताना कि तुम्हें क्या लगता है। और अब तीसरा सवाल कि फिल्म के एंड में देखने के विनायक मर जाता है तो क्या हमें पार्ट टू में विनायक देखने को मिलेगा? तो देखो, सोम शाह ने खुद कंफर्म किया है कि टूमर पार्ट टू में पंडुरंग की कहानी होने वाली है और ज्यादातर चांसेस है कि ये पंडुरंग का रोल जो है सोम शाह ही करेंगे। और इसका हिंट तुम पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देख सकते हो कि सोम शाह की एक वॉइस सुनाई जाती है। तो कंफर्म है कि सोम शाह इस टूमर पार्ट टू में भी हमें दिखेंगे। और सोम शाह ने कई ऐसे अपडेट दिए हैं इस फिल्म को लेकर, जैसे इस फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है और इसकी नेक्स्ट ईयर से शूटिंग स्टार्ट कर दी जाएगी और ये मूवी सीक्वल में ही चलेगी। अब मैं बता दूं कि जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पाएगी तो आग लगा देगी। मैं तो टूमर पार्ट टू के लिए काफी इंतजार कर रहा हूँ। तुम सेकंड पार्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हो कमेंट में जरूर बताना। अगर तुम्हें इस वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।